अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से दुनिया भर में मनाया जाने वाला है। इस योग दिवस से पहले हम आपको दिल्ली की रहने वाली 3.5 साल की बच्ची के बारे में बताते हैं, जिनका योगासन देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दिल्ली में पश्चिम बिहार की रहने वाली वान्या शर्मा ने बीते 7 जून को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। वान्या शर्मा ने रिकॉर्ड 3 साल 4 महीने और 29 दिन में बनाया है। वान्या शर्मा की योगा करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वान्या शर्मा योगा आर्टिस्ट ग्रुप की मेंबर है। वान्या ने योग में सबसे ज्यादा आसन करके ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। वान्या के पिता भी एक योग गुरु हैं, जिनका नाम हेमंत शर्मा है। वान्या ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 21 आसन और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 14 योगासन कर ये खिताब अपने नाम किया है। एक अखबार से बात करते हुए वान्या शर्मा के पिता और योग गुरु हेमंत शर्मा ने कहा कि वान्या 2 साल की उम्र से योगा करने का अभ्यास कर रही हैं। उनके पिता का कहना है कि वान्या भुजंगासन, सेतुबंधासन, पवन मुक्तासन, पर्वतासन, वीरभद्रासन, उत्कटासन, हलासन जैसे कई योगासन वो बहुत आसानी से कर लेती हैं। खिताब जीतने के बाद वान्या शर्मा ने सबको योग करने की सलाह दी। वान्या शर्मा ने कहा कि योग करो और फिट रहो। वान्या शर्मा का ये वीडियो योग आर्टिस्ट नाम के फेसबुक पेज से शेयर किया है। वीडियो में वान्या कहती हैं, आप सभी घर पर बैठकर योग करो और कोरोना वायरस को दूर भगाओ। वान्या शर्मा बड़ी होकर ओलंपिक में पदक जीतना चाहती हैं। वान्या शर्मा योग में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। उनके पिता का कहना है कि वान्या अभी से ही योग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयारियां करती हैं। वान्या हर दिन योग का अभ्यास करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।